अंदाज बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी दर्शकों का प्यार से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिनेमा के बारे में बोलने वाले हैं जिसका विषय है प्यार। जी हाँ दोस्तों, 2016 में मराठी इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में 100 करोड़ का धंधा यानी बिजनेस करने वाली एक फिल्म थी जिसका नाम था सैराट, सैराट साल जी। जी हाँ, 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म जिसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। बस उसके बाद क्या, उस फिल्म से प्रेरित होकर बहुत लैंग्वेजेस में फिल्में बननी शुरू हो गई, लेकिन हिंदी बॉलीवुड में उसी फिल्म पर एक आधारित फिल्म बनी है जिसका नाम है धड़ाक। धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाया है और शशांक खैतान जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बननी चाहिए थी क्योंकि एक फिल्म है, रीजनल फिल्म, जिसको लेकर इतनी बड़ी हवा हो जाती है, आर्ची परशा का नाम हो जाता है। ये दो एक्टर्स मराठी इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं और उनकी हवा पूरे इंडस्ट्री में फैल जाती है। एक साधारण से गांव में रहने वाले ये एक्टर्स एक रात में बहुत बड़े स्टार हो गए, दिग्गज स्टार मराठी इंडस्ट्री में। तो इनसे प्रेरित होकर धर्मा प्रोडक्शन ने ये धड़क फिल्म लेकर आई है। जी हां, धड़क फिल्म आज रिलीज हुई है फिल्म और लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही चाहा है। और क्यों ना चाहे, इस फिल्म में काम करने वाली नई जोड़ी है ईशान खट्टर और थाम लीजिए दिल को, अपने दिल पर राज करने वाली श्रीदेवी जी, जिन्होंने 2-3 दशक तक हम सब पे राज किया है, उनकी बेटी जानवी कपूर। श्रीदेवी जी ने जो करिश्मा आज तक फिल्म इंडस्ट्री में किया है, उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश जानवी ने की है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर श्रीदेवी होती तो उनको फक्र होता अपने बेटी जानवी पर। क्या कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने। इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश गाना गा के सुना। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हुई है। आज तक इतना प्यारा उदयपुर किसी ने भी फिल्माया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धड़क में उदयपुर देखने लायक है, कमाल की सिनेमाटोग्राफी है। वाह, धड़क 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 दिल धड़कता है फिल्म देखते वक्त। अजय अतुल का नाम जिस फिल्म से जुड़ जाता है उस फिल्म के गाने हिट होने ही है। इस फिल्म को अवश्य जाकर थिएटर में देखिए। जो जो श्रीदेवी को चाहने वाले हैं उनको फिर से याद आती है श्रीदेवी जी, वो जानवी के रूप में। जानवी का जो एक्टिंग का स्किल है बहुत प्यारा है और ईशान ने भी बहुत प्यारा काम किया है। अच्छा एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेज, पैसा वसूल फिल्म है धड़क। तो देखिए डेफिनेटली ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर आपको बोलता हूं कि जाइए और थिएटर में देखिए धड़क जानवी के लिए। श्रीदेवी के चाहने वालों जाइए और फिल्म देखिए जानवी के लिए। धर्मा प्रोडक्शन ने धड़क को अपने स्टाइल में बनाई है। ये फिल्म उनकी स्टाइल से बनी हुई फिल्म है, बहुत अच्छी प्यारी फिल्म है, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है इसमें। और इस फिल्म की जो डायरेक्टर है वो कमाल के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। उसी के साथ इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है और इस फिल्म का म्यूजिक जिन्होंने किया है उनके नाम है अजय अतुल जी। जी हाँ दोस्तों, अजय अतुल एक करिश्मा है मराठी और हिंदी इंडस्ट्री का। क्या गाने बनाते हैं वो, प्यार में पढ़ने लायक उनके गाने होते हैं, प्यारे प्यारे गाने होते हैं। और इस फिल्म में काम करने वाले आशुतोष राणा, कमाल के किरदार किया है उन्होंने, बहुत प्यारा प्यारा विलन किया है, बहुत कमाल के एक्टर हैं वो। और उनको साथ देने वाले जानवी और ईशान तो माइंड ब्लोइंग है। उसके साथ ऐश्वर्या नारकर और
कई सारे एक्टर्स ने अपना काम ईमानदारी से किया है। दोस्तों मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आप थिएटर में जाएंगे और जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट करोगे, क्योंकि ये गाना बहुत हिट है। जरूर जाइए, ये फिल्म देखिए। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा। ठाकुर के बिंदास बोल से धड़क के लिए 3.5 स्टार। और फिर अगली एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट करते रहेंगे ठाकुर के बिंदास बोल में।